नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AS अकेडमी में। मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे उन भाई बहनों के लिए जो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे भाई बहन जिनका सपना है कि हमें पटवारी ही बनना है, तो उनके लिए तो ये वीडियो आप समझो बिल्कुल संजीवनी जड़ी बूटी की तरह हो जाएगा यदि आप इसको अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, कौन से सब्जेक्ट को कितने समय तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कहां से मिलेगा, उस मटेरियल से हमें तैयारी कैसी करना है, और कितने नंबर में हमारा सिलेक्शन होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जब आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2021-22 का सिलेबस देखोगे, नेट पर सर्च करोगे गूगल में, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट आते हैं हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, पंचायती राज, जीके, और साथ में आता है एक सब्जेक्ट इंग्लिश। लेकिन उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट लिखा है वो बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। इंग्लिश आपका मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2021-22 में नहीं पूछा जाएगा। ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, ना इंग्लिश आपकी आनी है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला जो पार्ट रहेगा उसमें आप ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे जो एक लेवल के सब्जेक्ट हैं, यानी जो आपसे थोड़े थोड़े बनते हैं, मतलब आप उनको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपसे 50 से लेकर 60% तक बनते हैं, उनको आपको फर्स्ट कैटेगरी में रखना है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। आपको दो कैटेगरी में सब्जेक्ट बांटने हैं। पहली कैटेगरी वो होगी जिसमें आपको 50 से 60% तक सब्जेक्ट बनता है। दूसरी कैटेगरी हम ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे जिसमें हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारे कमजोर हैं, हमें इनमें कम से कम 70 से 80% तक मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होगी उसमें आप पहले तो आप हिंदी रखेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप सभी को पता है, हिंदी आप सभी से बनती होगी, तो हिंदी को हम पहली कैटेगरी में रखेंगे। हिंदी के साथ साथ सब्जेक्ट हम ऐड करेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर से लगभग हम बेसिकली जो बेसिक ज्ञान होता है कंप्यूटर का हम जानते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है तो हम उसे पढ़ेंगे। तो पहली कैटेगरी में आप हिंदी को रखेंगे और कंप्यूटर के रखेंगे। दूसरे कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें हम पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था रखेंगे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम गणित रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका गणित इतना अच्छा नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पंचायती राज इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचायती राज थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें क्वेश्चंस कहीं से भी बन जाते हैं, इस बात का सबसे बड़ा डर रहता है, तो पंचायती राज थोड़ा सा टफ पड़ता है। अब बचता है हमारा जीके, तो जीके को रखना है हमें कॉमन। जीके को कॉमन ऐसा रखना है कि ना तो हमें कैटेगरी फर्स्ट में रखना है ना कैटेगरी सेकंड में रखना है, क्योंकि जीके को हमें मिडिल में इसलिए रखना है क्योंकि जीके में हमारा करेंट ही आएगा, करेंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, तो जब हमें करेंट अफेयर्स आएगा तो हमें इस पर थोड़ा सा डेली फोकस करने की आवश्यकता है, 15-20 मिनट इसको हम डेली करेंगे, इसलिए हमने इसको सेंटर पॉइंट में रखा है। अब सुनो मेरी बात को, हिंदी की यदि मैं बात करूं तो हिंदी को आपको कितना पढ़ना है इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी को ज्यादा समय आपको देना नहीं, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम इसको यदि 40 मिनट आपने डेली दे दिए तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी को आप कितना देंगे, 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट। हमारी हिंदी भाषा जो मातृभाषा है हम जानते हैं, समझते हैं, सब जानते हैं, हमें रिविजन की आवश्यकता है, तो डेली यदि हम इसको 40 मिनट देते हैं तो हिंदी में सफिशियंट हमारा स्कोर हो जाएगा। हिंदी और सभी सब्जेक्ट आपके 20-20 नंबर के आने हैं और आपका 100 मार्क्स का पेपर होना है। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर यदि आपका बेसिक अच्छा क्लियर है तो आप इसको कंप्यूटर को 40 मिनट देंगे। यदि आपको बेसिक पता नहीं है, आपका बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में अच्छा नहीं है, तो आप कंप्यूटर को 1 घंटे समय देंगे, याद रखिएगा 1 घंटे समय देंगे। 1 घंटे पढ़ोगे तो बेसिक भी होगा और आपकी जो डाउट वगैरह है वो भी सब आपने क्लियर होते जाएंगे। क्लियर होगी बात, हिंदी को 40 मिनट दोगे, बेसिक क्लियर है तो कंप्यूटर को भी 40 मिनट दोगे, बेसिक क्लियर नहीं है तो कंप्यूटर को आप 1 घंटे दोगे। अब बात करेंगे हम गणित की। गणित में आपको अंकगणित भी आनी है और एप्टीट्यूड भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा गणित में यदि आप मिनिमम एक घंटा दें, याद रखना गणित में कम से कम 1 घंटा दें, और यदि आप 1.5 घंटा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप कम से कम 1 घंटा दें, 1.5 घंटे यदि गणित पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, 1.5 घंटे आप पढ़ते रहिएगा, इतने में आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बात रही थी पंचायती राज की, पंचायती राज को ना तो आपको 40 मिनट देना है ना 1.5 घंटे देना है, आप पंचायती राज में डेली 1 घंटे दें। पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यदि आप 1 घंटे देते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया स्कोर आपका उसमें 1 घंटे में हो जाएगा। अब समझो आपकी बात आएगी जीके की, अब सोचोगे यार हमने हिंदी 40 मिनट पढ़ ली, कंप्यूटर का बेसिक अच्छा है तो 40 मिनट पढ़ना है,
बेसिक अच्छा नहीं है तो एक घंटे पढ़ना है, गणित में हमारा बेसिक अच्छा है तो एक घंटे पढ़ना है, बेसिक अच्छा नहीं है तो डेढ़ घंटे पढ़ना है, पंचायती राज को ना हमें आधा घंटे पढ़ना है ना डेढ़ घंटे पढ़ना, सिर्फ एक घंटे पढ़ना है, कंप्यूटर को क्लियर हो गई, जीके बचता है तो दोस्तों जीके को हमें डेली कम से कम 30 मिनट पढ़ना है, डेली 30 मिनट पढ़ना है। जीके इतना कोई बहुत बड़ा नहीं, पूरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, अदर ले सकते हैं, उससे आप डेली 30 मिनट पढ़ें और जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको जरूर पढ़ते रहें, वहां से आपका एक स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो याद रखिएगा जीके को आप डेली 30 मिनट पढ़ेंगे। इतनी बात समझ गए। इतनी बात समझने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि 2017 की बात करें तो 2017 में जो कट ऑफ गया था वो 70+ यानी 77+ गया था, यानी 77+ गया था। 2021-22 के दिन मैं बात करूं तो कट ऑफ यहां पर दोस्तों 85+ जाएगा, 85+ जाएगा यानी 100% जाएगा। आपको इस 85+ को टारगेट लेके चलना है, आप यदि इतना टारगेट नहीं चल करोगे तो आपका वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं। इतनी बात तो हमने कर ली इसकी पढ़ाई के बारे में, इसकी प्लानिंग के बारे में। अब मैं आपको बताऊं, आप सोचोगे कि यार ये बात तो आपने बता दी, मार्केट में बुक देखो तो बुक प्रॉपर मिलती नहीं है, चाहे पटवारी के लिए ले लो, चाहे कंप्यूटर के ले लो, चाहे पंचायती राज के ले लो। पटवारी के लिए अभी वर्तमान में कोई बुक नहीं मिल रही और कोई अच्छी बुक नहीं मिल रही, यदि कई पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें 15-20% आंसर गलत मिल जाते हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? इसका समाधान ये है कि AS अकेडमी के द्वारा आप सभी को नए पैटर्न के आधार पर नोट्स बना दिए गए हैं। ये सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप देख रहे हैं, यहां पर आपको हिंदी के भी हैं, पंचायती राज के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के, ये सारे नोट्स आपको हमारे AS अकेडमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 5 बुक्स हैं, आप यहां पर एक एक बुक को देख सकते हैं। ये जो आपको बुक दी गई है पूरी व्यवस्थित बुक है दोस्तों, इसको हमने पूरा टाइपिस्ट टाइप किया हुआ है, आपको कोई हैंड राइटिंग नहीं है, पूरा टाइप किया बेहतरीन तरीके से। मैं आपको बता देता हूं, देखो बुक आप देखिएगा, ये आपको जीके की बुक बनाई गई है। इस जीके की बुक में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमने लिखा है, पूरा कंप्लीट तरीके से आपको इसको प्रिंट किया गया है, बहुत ही शानदार मटेरियल आपको इस यहां पर मिलेगा AS अकेडमी के द्वारा। हिंदी की बात करें, कंप्यूटर की भी बात करूं मैं, देखो कंप्यूटर पे पूरा प्रिंट किया गया है, पहले हमने लिखा, लिखने के बाद इसको टाइप कराया, टाइप करने के बाद प्रिंट कराया, आपको कंप्यूटर का भी मटेरियल पूरा मिल रहा है। कंप्यूटर के साथ साथ में देखो, यदि आपको पंचायती राज दिखाऊं, जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो रहता है पंचायती राज का, पंचायती राज को भी हमने इतने व्यवस्थित तो इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि आप सोचोगे कि यार इतना बेहतरीन मटेरियल कैसे दे रहा है। ये हिंदी की, ये गणित की है, ये है पंचायती राज की। पंचायती राज को भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है, पंचायती राज को बहुत शानदार तरीके से लिखा है, बनाया है, बेहतरीन लिखा है। ये आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं आपके घर पे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाते हैं 2-3 दिन में। यदि आप इनको मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111705039 पर कॉल करें, मैसेज करें और पूरा मटेरियल आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। ये पूरा मटेरियल आपको मध्यप्रदेश पटवारी परीक्षा 2021-22 के लिए सफिशियंट रहेगा, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो पूरा काम होगा। फ्री क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं। यदि आपने नोट्स पढ़ लिए, AS अकेडमी के द्वारा सारी क्लासेस अटेंड कर ली तो 110% आप मान के चलिएगा कि आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वही पहुंचेंगे। हम सबको उम्मीद है कि ये बेहतर है, अभी जितनी जगह पे भी हम नोट्स भेज रहे हैं, मध्यप्रदेश के लगभग सभी जिलों में नोट्स भेज रहा हूं मैं, पटवारी के का और अदर क्लासेस के लिए भी नोट्स भेजता हूं, जो बहुत ही बेहतरीन है। आप सबका बहुत शानदार रिस्पांस है। तो दोस्तों आप लोग मंगाना चाहते हैं ये नोट्स तो दिए गए नंबर 9111705039 पर कॉल करें, मैसेज करें, यहां पर नोट्स की डिटेल मिल जाएगी, 2-3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा, कोरोना है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर अनावश्यक ना जाएं, जरूरत पड़ने पर ही जाएं। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, और आपका घर सुरक्षित तो प्रदेश, और प्रदेश तो आपका देश। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई मन में सवाल है, कोई क्वेरी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं।